अयोध्या राम मंदिर का रहस्यमय बंदर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज पूरे विश्व में शायद ही ऐसा कोई होगा जो भारत के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला के विराजने के बारे में नहीं जानता होगा। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अयोध्या के उस रहस्यमय बंदर के बारे में जानते होंगे जो हमेशा से ही उसी वक्त दिखता रहा जब भी अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा उठता रहा। चाहे वह 1858 के निहंग सिखों के बाबरी मस्जिद में घुस जाने का मामला हो, चाहे वो 1986 का मामला हो, या फिर 1990 का मामला हो, या फिर चाहे वो 6 दिसंबर 1992 की कार सेवा का मामला हो, चाहे वो 2019 के सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर के फैसले का मामला हो, चाहे वो 2024 के राम मंदिर के उद्घाटन का मामला हो, वो हर समय राम मंदिर के मामले में दिखता रहा। आखिर कौन है वो रहस्यमय बंदर और आखिर क्या है इसके पीछे का सच? ये पूरी घटना बहुत ही दिलचस्प है और इसे सुनने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि राम मंदिर को बनने में सिर्फ इंसानों का हाथ नहीं बल्कि कई पारलौकिक शक्तियों का भी हाथ है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंशियंट एंड अद्भुत यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। राम मंदिर आंदोलन बिना किसी आध्यात्मिक चेतना के यूं ही नहीं चल रहा था। बार बार कहीं से ईश्वरीय प्रेरणा मिलने पर इस तरह के ऐतिहासिक कार्य संपन्न होते हैं। महावीर हनुमान के बिना राम कथा पूरी नहीं होती। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का तीनों लोकों में सबसे बड़ा भक्त हनुमान जी को ही माना जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी लोक में हनुमान जी की पूजा होती रही है। राम मंदिर आंदोलन के 500 वर्षों का इतिहास महाबली हनुमान जी की अदृश्य छाया से कभी मुक्त नहीं रहा। आज हम आपके साथ ऐसी 4 घटनाओं का जिक्र करेंगे जिसे देखकर कहा जा सकता है कि स्वयं हनुमान जी ने उपस्थित होकर राम मंदिर निर्माण के लिए रास्ता दिखाया था। दोस्तों, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर 23 जुलाई 1992 की है और इसे प्रमोद पुष्करणा ने क्लिक किया था। कार सेवकों की निर्मम हत्या के बाद मंदिर के लिए कार सेवा निलंबित कर दी गई थी। हालांकि कार सेवक अयोध्या पहुंच गए थे लेकिन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। 1992 की तस्वीर में बाबरी मस्जिद के केंद्रीय गुंबद पर एक बंदर बैठा हुआ भी दिखाया गया है। ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि 1990 में पहली कार सेवा में मस्जिद की गुंबद पर झंडा लिए एक बंदर की फोटो उस समय के सभी अखबारों में छपी थी। अब लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या ये वही बंदर था जो 1990 में गुंबद पर आया था। 30 अक्टूबर 1990 का दिन था जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा। राम मंदिर आंदोलन के उस ऐतिहासिक दिन विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित राम मंदिर कार सेवा को विफल करने के लिए 30 अक्टूबर 1990 को पीएसी के लगभग 28,000 कर्मियों को अयोध्या में तैनात किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने यह दावा किया था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कार सेवकों और सुरक्षाकर्मी के संघर्ष के बीच एक साधु जो बस चलाना जानता था वो पुलिस बस की सीट पर कूद पड़ा। कार सेवकों ने सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों का सामना किया और विवादित बाबरी मस्जिद की ओर बढ़े। उनमें से कुछ विवादित ढांचे के गुंबद पर चढ़कर भगवा ध्वज लड़ा दिए। वहां तैनात सुरक्षाकर्मी ने जल्द ही कार सेवकों पर लाठी चार्ज और गोलीबारी शुरू कर दी थी। सुरक्षाकर्मी के हमले का सामना करते हुए कार सेवकों को शाम तक पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अधिकारी चाहते थे कि गुंबद से भगवा झंडा हटा दिया जाए लेकिन उन्हें एक अनोखी स्थिति का सामना करना पड़ा। एक बंदर ने मस्जिद के मध्य गुंबद पर कब्जा कर लिया। पुलिसकर्मियों ने बंदर को भगवान हनुमान के अवतार के रूप में देखा जो ध्वज की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। बंदर घंटों तक झंडे के पास बैठा रहा। देर रात बंदर के गुंबद से चले जाने के बाद 3-4 जवान गुंबद पर चढ़े और फिर झंडे को हटा दिया। अब बात करते हैं 1 फरवरी 1986 की। फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने जो फैसला दिया उस पर उन्होंने खुद कहा कि मैंने जो फैसला दिया उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि यह फैसला
मुझे किसी दैवी शक्ति ने दिलवाया है। इस आदेश में कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के दरवाजे भक्तों के दर्शन के लिए खोले जाएं। जिस दिन ताला खोलने के आदेश पारित किए गए थे, उस दिन एक काला बंदर पूरे दिन कोर्ट रूम की छत पर बैठा रहा, जिसमें सुनवाई चल रही थी। वो झंडा स्तंभ पकड़े बैठा था। अदालत का अंतिम आदेश सुनने के लिए मौजूदा फैजाबाद और अयोध्या के हजारों लोगों ने उन्हें मूंगफली और विभिन्न फल पेश किए थे। अजीब बात यह है कि उस वक्त किसी भी प्रसाद को उस बंदर ने नहीं छुआ, और शाम 4:40 बजे जब अंतिम आदेश पारित हुआ तो वो वहां से चला गया। कोर्ट के जज कहते हैं कि मैं जब मेरे बंगले तक पहुंचा, तब मैंने देखा कि मेरे बंगले के बारंदे में एक बंदर बैठा था। मैं उसे देखकर हैरान हो गया। मैं बस उसे कोई दैवी शक्ति मानते हुए प्रणाम किया। बाद में बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलने के आदेश को हाई कोर्ट ने पलट दिया। ये एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था जो 1858 में निहंग सिखों द्वारा विवादित मस्जिद में घुसकर हवन करने के बाद एक एफआईआर के साथ शुरू हुई थी। अब बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, जहां फिर से वो बंदर देखा गया। वरिष्ठ वकील और पूर्वी अटॉर्नी जनरल के परासन ने भी राम जन्मभूमि मामले के संदर्भ में एक वीडियो में बंदर के बारे में बात की। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें राम मंदिर के निर्माण के लिए 2.77 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। के परासर ने कहा कि फैसला शनिवार को सुनाया गया और अगले सोमवार को दिल्ली में उनके आवास की छत पर 30 से 40 बंदर कहीं से आ गए। परासरन लिखते हैं कि मैं दूसरी मंजिल पर खुली छत पर था, लगभग 30 से 40 बंदर आए। परासरन कहते हैं कि इतने सारे बंदर की कल्पना वो नहीं कर सकते थे, और वो भी रात 8:45 जब आमतौर पर बंदर अपने ठिकाने पर चले जाते हैं। परासरन कहते हैं वो खेल रहे थे, कूद रहे थे और झूम रहे थे। अब आखिर में बात करते हैं 22 जनवरी 2024 की, जब अयोध्या राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए। उस वक्त भी एक बंदर का जिक्र आया और इस बात की पुष्टि स्वयं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने की। उन्होंने कहा कि संध्या काल लगभग 5:50 एक बंदर दक्षिणी द्वार से गुड़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने देखा, वे बंदर की ओर ये सोचकर भागे कि कहीं ये बंदर उत्सव मूर्ति को जमीन पर न गिरा दे। परंतु जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े, वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की ओर गया। द्वार बंद होने के कारण पूर्वी दिशा की ओर बढ़ा और दर्शनार्थियों के बीच से होता हुआ बिना किसी को कष्ट पहुंचाए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। दोस्तों, अब जरा आप खुद ही सोचिए कि ये क्या हो सकता है। 1986 से लेकर 2024 तक पूरे मामले में मौजूद रहने वाला बंदर वो कौन हो सकता है? मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी ही थे, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन में हर वक्त साथ दिया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।